हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर शेषवाल। आज अपन रिव्यू करने वाले हैं दी ब्रांड न्यू हुंडई क्रेटा। तो ये क्रेटा का सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन इसकी डिसकंटिन्यू कर दी है, जो अब आती है 2022 में वो सेकंड जनरेशन आती है। तो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ क्रेटा का SX वेरियंट, जो कि मुझे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट लगता है क्रेटा का, ये वाला पर्टिकुलर। सो ये जो हुंडई क्रेटा है सेकेंड टॉप वेरियंट है ये SX। सो ये पूरी ओवरऑल कार तो पूरी प्रीमियम लगती है, बाकी इसमें एक कमी रह गई थी जो कि इसके स्पीडोमीटर था, वो इतना अच्छा नहीं लगता। सो अब हुंडई ने उसको भी पूरा कर दिया है, जो कि मैं अंदर चल के बताऊंगा। सो सबसे बिग अपडेट है हुंडई क्रेटा का SX सेकंड टॉप वेरिएंट का। तो पहले अपन हुंडई क्रेटा के वेरियंट्स की बात करते हैं, तो इसमें पहले आता है ई आता है, फिर आता है EX, फिर आता है S, फिर आता है SX, फिर आता है SX ऑप्शनल। तो आज अपन जिस कार का रिव्यू करने वाले हैं ये है SX सेकेंड टॉप वेरिएंट है ये। तो ऐसा कुछ इसका फ्रंट लुक लगता है। पहले अल्कज़र हुंडई क्रेटा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी इस ग्रिल का डिफरेंस जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इसकी ग्रिल कैसी है एंड वहाँ अल्कज़र भी खड़ी हुई है, सो उसकी ग्रिल थोड़ी चेंज है इससे। सो अल्कज़र की ग्रिल ज़्यादा बेटर लगती है हुंडई क्रेटा से। इसके सेगमेंट में सबसे बड़ी जो राइवल है इसकी, वो सिर्फ किया सेल्टॉस ही है, एंड कोशक एंड टाइगुन भी आती है, बाकी उनकी इतनी सेल्स नहीं है जितनी किया सेल्टॉस की एंड हुंडई क्रेटा की है। आप इन दोनों की सेल्स की बात करेंगे तो हुंडई क्रेटा की सेल्स ज़्यादा है किया से, सेल्टॉस से। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन, इसकी ऐसी की दिखती है SX वेरिएंट की, जिसमें लॉक अनलॉक एंड ये होल्ड करके रखेंगे तो इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है 4 सेकेंड के बाद, एंड ये इसका बूट रिलीज का, इसको होल्ड करके तो इसका बूट ओपन हो जाता है, एंड इसमें एक और फंक्शन आता है, जैसे आप इसको लॉक करते हैं तो इसके ORVM भी फोल्ड हो जाते हैं। अब मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा हुंडई क्रेटा एंड किया सेल्टॉस के बारे में, जो कि इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो इसका आपको हमेशा फ्रंट किया सेल्टॉस के अच्छा लगेगा हुंडई क्रेटा से ज़्यादा। तो सो ऐसे इसका ग्रिल दिखती है, जो कि इसकी ऐसी ग्रिल आती है क्रोम में, यहाँ हुंडई का बैजिंग आ जाता है इस साइड। तो इस साइड आ जाती है इसकी ट्राइबीम हेडलाइट, जो कि इसको ट्राइबीम बोलती है कंपनी, एंड यहाँ पे आ जाती है इसकी हाई बीम, या इसकी दोनों लो बीम आ जाती है, ये LED में आते हैं पूरी, ये आप देख रहे होंगे LED ये। सो इसके जो हेडलाइट है ये पूरी LED में आती है, बस एक कमी इसमें ये है कि इसके जो फॉग लैंप है ये आपको हेलोजन में मिलते हैं, जो कि ये मुझे पता नहीं क्या मिसमैच है हुंडई से, जो कि ये LED में दे दिए, ये हेलोजन में दे दिए, तो कुछ मैच नहीं बैठता इन दोनों का। सो ये आ जाते हैं इसके हेलोजन में इसके फॉग लैंप, एंड ये आ जाता है इसका टर्न इंडिकेटर। ऐसा हुंडई क्रेटा का साइड लुक लगता है पूरा। अब इसकी लेंथ देखेंगे तो इसकी लेंथ है 4300 mm, इसकी लेंथ है, किया सेल्टॉस की लेंथ ज़्यादा है इससे 15 mm। सो ऐसी इसकी पूरी ओवरऑल साइड लुक है। इसकी एलॉय व्हील्स देखते हैं तो इसके ऐसे एलॉय व्हील्स मिलते हैं गन मेटालिक, जो कि सिल्वर में आते हैं पूरे। इसकी प्रोफाइल है 215/60R17 की एलॉय व्हील आता है इसका, मतलब 17 इंच का आता है इसका एलॉय व्हील। बाकी अगर डायमंड कट देखेंगे तो डायमंड कट से SXO में आता है, जो इसका टॉप एंड वेरियंट है ऑप्शनल में। सो इसमें सिल्वर ही आते हैं सेकंड टॉप में। इसके जो मिरर है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों है, यहाँ आ जाता है इसका टर्न इंडिकेटर मिरर पर ही, एंड नीचे की साइड इसका पटल लैंप भी आता है, जो कि नीचे रिफ्लेक्ट करता है नाइट में, एंड यहाँ रहते हैं इसके क्रोम कैंडल्स, जो कि इसके चारों डोर में क्रोम कैंडल्स ही आते हैं। यहाँ इसका रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है ड्राइवर साइड। ठीक साइड देखेंगे तो इसकी स्किड प्लेट दी गई है, ऊपर की साइड इसकी रूफ रेल्स आ जाती है, ऊपर इसका पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है SX मॉडल का, एंड यहाँ पे इसका शार्क फिन एंटीना आ जाता है इस साइड ही। अब बात करते हैं इसके बैक लुक से। सो अब मैंने आपको फ्रंट से बताया था कि किया सेल्टॉस ज़्यादा बेटर लगती है हुंडई क्रेटा से, रियर में देखते हैं तो रियर में मुझे पर्सनली हुंडई क्रेटा ज़्यादा बेटर लगती है किया सेल्टॉस से, जो कि ऐसा इसका पूरा ओवरऑल लुक है हुंडई क्रेटा का, ऐसा बैक लुक लगता है पूरा। सो यहाँ पे आ जाता है इसका स्पॉइलर, यहाँ पे डीफॉगर रियर वाइपर दोनों दिए गए हैं, साइड आ जाती है इसकी ब्रेक लाइट, एंड यहाँ पे आ जाती है इसकी हुंडई का लोगो। देखेंगे तो इस साइड भी क्रेटा लिखा हुआ है, जो कि स्पेस छोड़ छोड़ के लिखी हुई है, सो ये भी बहुत अच्छा लगता है पूरी बैक लुक से। करते हैं इसकी लाइट्स के, रियर लाइट्स की, तो यहाँ भी ट्रायो बीम दी गई है, जो कि फ्रंट में आते हैं इसकी ट्रायो बीम, वही इसको कंटिन्यू रखा गया है बैक साइड भी, जो कि इसके बैक साइड भी ट्रायो बीम आती है, एंड ये इधर साइड आ जाती है इसकी ब्रेक लाइट, जब इसको ब्रेक मारते हैं ऐसी इसकी ट्रायो बीम आती है हेडलाइट्स। तो एंड इसका जो इंडिकेटर है वो इस साइड प्लेस करा गया है कंपनी ने, एंड नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिवर्स पार्किंग लाइट है वो नीचे दी गई है, एंड यहाँ पे आ जाता है इसका रिफ्लेक्टर, एंड इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर देखते हैं तो इसके 4 सेंसर्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 सेंसर्स दिए गए हैं, एंड इधर आ जाता है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। एंड अब ओपन कर लेते हैं अपन इसका बूट स्पेस, जो कि आप यहां से ओपन कर सकते हैं, ऐसे इसका बूट स्पेस है, जो कि 433 लीटर्स का इसका ऐसा बूट स्पेस आता है हुंडई क्रेटा का।
एंड नीचे की साइड देखेंगे तो इसका स्पेयर व्हील आ जाता है नीचे की साइड, जो कि इसकी प्रोफाइल 16 इंच की आती है स्पेयर व्हील की। अपोलो का टायर दिया गया है। नीचे साइड देखेंगे तो इसका हेलोजन में आ जाता है लैंप यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ रही थी इसकी पार्सल ट्रे। सो ऐसे 433 लीटर्स का बूस्टर आता है हुंडई क्रेटा का। ऊपर गेट देखेंगे तो ऊपर की साइड यहाँ एक ग्रैप होल्डर आता है जिससे आप बंद कर सकते हैं बूट को। सो अब चलते हैं इस कार के अंदर एंड वहाँ चेक करते हैं जो सबसे बिग अपडेट था हुंडई क्रेटा का SX का, मैं बताता हूँ आपको वो अपडेट क्या था। पहले इसके इंटीरियर की बात करेंगे तो इसका इंटीरियर सबसे बेस्ट लगता है मुझे, सबसे प्रीमियम लगता है, जो कि इसका ये कलर है वाइट एंड ब्लैक, जो कि बहुत बेटर लगता है अल्केज़र से। तो सो ऐसा इसका पूरा ड्यूल टोन इंटीरियर आता है हुंडई क्रेटा का। साइड देखेंगे तो इस साइड इसका ड्यूल टोन में पूरा इंटीरियर आता है, इसका गेट आता है पूरा ड्यूल टोन में, जो कि यहाँ चारों पावर विंडो रहती है, यहाँ पे मिरर्स के लॉक करने का कंट्रोल रहता है इस साइड, एंड यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन आ जाता है। यहाँ पे आ रहते हैं इसकी जो ORVM से इसको कंट्रोल करने के कंट्रोल, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों कर सकते हैं आप यहाँ से। एंड यहाँ इसका स्पीकर प्लेस्ड है, इसमें बोस के स्पीकर भी आते हैं, बस वो टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं बोस के स्पीकर। एंड यहाँ पे आ रहता है इसके बॉटल होल्डर, यहाँ स्टोरेज स्पेस दी गई है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ सॉफ्ट टच कुछ नहीं दिया गया, ये पूरा प्लास्टिक आता है, सॉफ्ट टच लेदर कुछ नहीं दिया गया है यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ जो कि हुंडई क्रेटा का सबसे बड़ा अपडेट है SX मॉडल का। सो पहले इसको स्टार्ट कर देता हूँ फिर आपको दिखेगा। सो ये है हुंडई क्रेटा का बिग अपडेट SX मॉडल का। सबसे बड़ा अपडेट क्लस्टर में यही आया है, जो कि ये 7 इंच का आता है, ये पहले SX में नहीं आता था। सो मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो वेरिएंट है ये डीजल है, सो डीजल में ये अपडेट आया है। बाकी अगर आप पेट्रोल जाएंगे SX में तो वहाँ जो नॉर्मल पहले आता था वही आता है। सो इसमें जो है SX डीजल में, इसमें आपको 7 इंच का ऐसा SVC मिल जाता है, सुपरविजन क्लस्टर, जो कि ये टॉप एंड वेरिएंट में आता था पहले, एंड अब सेकंड टॉप में भी दे दिया है कंपनी ने। इस साइड बात करते हैं इसके रैप की, तो ये पूरा लेदर रैप्ड आता है डी कट, जो कि बहुत बेटर लगता है मुझे डी कट। एंड इस साइड आते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल पूरे वॉइस कमांड के, जो कि इसमें हेलो ब्लूलिंक भी आता है। एंड यहाँ पे आता है इसका मोड, जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं टच स्क्रीन को। एंड इसकी जो स्क्रीन है ये 10.25 इंच की आती है, 10 इंच की स्क्रीन आती है। एंड इस साइड आते हैं कॉल पिक करने के, डिसलाइक करने के कंट्रोल, एंड इधर वॉल्यूम के कंट्रोल, इधर ट्रैक चेंज करने के कंट्रोल। इस साइड देखेंगे तो इस साइड इसके क्रूज कंट्रोल आता है, जो कि इसमें वन टच क्रूज कंट्रोल आता है। एंड इस साइड आता है इसके जो MID है, ये आपको बता देता है 7 इंच के MID में क्या क्या शो होता है। सो आप यहाँ पे एवरेज देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्शन बता देगा, एंड यहाँ पे आपको एक्यूरेट स्पीड बता देता है स्पीडोमीटर पे ही। इस साइड आता है इसका टैगोमीटर, इस साइड आता है इसका स्पीडोमीटर, एंड इस साइड आता है इसका पेट्रोल फ्यूल का। एंड इसमें एक चीज़ नहीं आती, जो कि TPMS है वो नहीं आता, सिर्फ आपको वार्निंग देता है TPMS की, आपको एक्यूरेट नहीं बताता कौन से टायर में प्रेशर कम है। सो सिर्फ आपको वार्निंग देता है इस साइड। एंड इसके हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो इसके हेडलैम्प्स ऑटो का फंक्शन दिया गया, मतलब इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी है, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं इसके फंक्शंस। एंड इस साइड आता है इसका वाइपर्स का कंट्रोल, जो कि वाइपर्स भी इसके ऑटोमेटिक दिए गए हुंडई क्रेटा में। एंड ऐसा कुछ इंटीरियर दिखता है हुंडई क्रेटा का, जो कि बहुत बेस्ट लगता है मुझे अल्केज़र से। तो सो अल्केज़र का वो जो ब्राउन कलर है वो मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता जितना क्रेटा का अच्छा लगता है वाइट कलर। इसका जो इंटीरियर देखेंगे, इसका इंटीरियर मतलब बहुत बेस्ट लगता है अल्केज़र से। तो अल्केज़र की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसका जो फिनिश है ये पूरा मैट ब्लैक दिया गया है, उसमें पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया गया है, जो कि वो बेटर लगता है इससे। सो ये मैट ब्लैक इतना अच्छा नहीं लगता। एंड इस साइड बात करते थे, इस साइड इसकी 10 इंच की स्क्रीन आ जाती है, जो कि 10.25 इंच की स्क्रीन आती है, इसमें ब्लूलिंग भी आ रहता है, इसमें मैप देख सकते हैं आप, इसकी जो टच स्क्रीन है आप उसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं इस साइड से। एंड इसमें ML लाइटिंग भी आती है, जो कि एक ही कलर की आती है ब्लू कलर की, जो कि नाइट में विजिबल होती है, यहाँ पे आती है वो लाइटिंग। सो ऐसी इसकी 10 इंच की स्क्रीन आती है, जो कि एप्पल कार पे एंड्रॉयड तो दोनों कनेक्ट कर सकते हैं आप, बट इसमें वायरलेस नहीं आता, इसमें वायर करना पड़ता है आपको। इसके AC की बात करते हैं तो इसके AC आ रहता है, इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है। इसके बटन जो कि रियर है एंड फ्रंट दोनों डिफॉवर के आपको बटन दिए गए हैं, यहाँ पे ऑफ का बटन भी दिया गया है। इसकी चार्जिंग की बात करते हैं तो इसमें वायरलेस चार्जर भी आता है नीचे की साइड, एंड यहाँ पर इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, यहाँ USB केबल, यहाँ पर चार्जिंग केबल ला सकते हैं आप। सो यहाँ वायरलेस चार्जिंग का भी दिया गया है आपको सेकेंड टॉप में। यहाँ रहता है इसका गियर 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ रहता है इसका व्यू का बटन, जो कि आप DRVM जो आता है इसमें वो आप चेक कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी फ्रंट में मूव कर रही हो। एंड एक बार इसका रिवर्स कैमरा भी चेक कर लेते हैं। सो ऐसा इसका रिवर्स कैमरा आता है, जो कि इतनी डिस्प्ले में आता है, जो कि पिक्चर क्वालिटी ठीक ठीक है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। एंड यहाँ पे आपको गाइडलाइंस बता देता है किस साइड आपकी कार मूव कर रही है।
सो ऐसा इसका रियर कैमरा आता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपको मैट ब्लैक मिलता है जो कि एल्केजर में अच्छा लगता है, ये ग्लॉसी ब्लैक में। एंड यहाँ आते हैं इसके दो कप होल्डर, यहाँ इसका हैंड ब्रेक आ जाता है इस साइड, एंड यहाँ पर आ जाता है इसका आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल नहीं है, यहाँ स्टोरेज स्पेस दी गई है। सो इसका जो आर्मरेस्ट है ये आपको फिक्स ही मिलता है, बट आप कंफर्टेबली गियर लगा सकते हैं। एंड इसके ट्यूटर यहाँ प्लीज दे इस साइड पिलर्स पे। वाइजर पे आपको ना तो लैंप दिया गया है ना कोई मिरर दिया गया है, और साइड इसका इसके लाइट्स के ऑप्शन आ जाते हैं एलईडी लाइट्स के। एंड इस साइड आता है इसका मिरर आता है, यहाँ भी कोई लैंप नहीं दिया गया। यहाँ आता है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज SX मॉडल का, सो यहाँ पे आता है इसका पैनोरामिक सनरूफ जो कि सेल्टॉस नहीं देती, ये उसका डिसएडवांटेज है आई थिंक सबसे बड़ा। सो क्रेटा में SX मॉडल से आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। इस साइड आता है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर बता भी देगा ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ। इसी साइड आपको जो लाइट्स है हेडलैम्प्स उसके लेवलर के कंट्रोल इधर दिए गए हैं हेडलैम्प्स के, सो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं हेडलैम्प्स को। के एयरबैग की बात करते हैं तो इसमें दो ही एयरबैग मिलते हैं SX मॉडल में, जो कि आप टॉप एंड वेरियंट में रहेंगे तो वहाँ 6 एयरबैग्स है SX ओ में। एंड इस साइड देखेंगे तो इस साइड इसका ग्लोव बॉक्स आ जाता है, यहाँ कूल ग्लोव बॉक्स का भी ऑप्शन दिया गया है अंदर की साइड। सो ऐसा तो पूरा फ्रंट से इंटीरियर। अब बात करते हैं इसके रियर सीट की, अब चलते हैं इसके बैक सीट में एंड वहाँ चेक करते हैं कि वहाँ कितना स्पेस है। सो ऐसा इसका रियर गेट आता है सबसे पहले, जो कि ये भी ड्यूल टोन में दिया गया है पूरा, यहाँ सॉफ्ट टच नहीं दिया है, यहाँ भी प्लास्टिक ही दिया गया है। यहाँ इसका सन कर्टन आ जाता है जो कि आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ आ जाता है इसका स्पीकर, यहाँ इसकी पावर विंडो, यहाँ इसके सिल्वर में हैंडल्स आ जाते हैं, यहाँ वाटर होल्डर आ जाती है इस साइड नीचे की साइड। अब स्पेस की बात करते हैं तो क्रेटा में एक्सप्रेस में कोई कमी नहीं है, एंड अंडर टायर सपोर्ट भी देखेंगे तो अंडर टायर सपोर्ट में भी कोई कमी नहीं है क्रेटा में। तो इस साइड आ जाता है इसका रियर AC, एंड यहाँ रहता है इसका नीचे चार्जिंग पोर्ट आ जाता है स्टोरेज स्पेस का, जो कि आप मोबाइल रख सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा इसका पूरा इंटीरियर दिखता है बैक लुक से, जो कि इसका पैनोरामिक सनरूफ है, ये बहुत बेस्ट लगता है पूरी कार में। तो ऐसा इसका पैनोरामिक सनरूफ आता है, यही पैनोरामिक सनरूफ एल्केजर में भी आता है। इस साइड देखेंगे तो इसके LED लैंप्स आते हैं, एंड क्रेटा में रियर में आपको कुशंस भी दिए गए हैं, ये एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है। आप SX मॉडल लेंगे SX ऑप्शन लेंगे तो उसमें आपको कुशंस दिए जाते हैं, सो आपको यहाँ पे कुशंस मिल जाते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। एंड इसके यहाँ पे आ जाता है इसका आर्मरेस्ट जो कि मैं आपको अभी ओपन करके नहीं बता सकता, यहाँ भी इसका एड्रेस आ जाता है कुशन के साथ। चलते हैं इसका जो इंजन आता है 1.5 CRDI का वो चेक करते हैं। सो आप इसका इंजन यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हुक दिया गया है। सो ऐसा इसका इंजन मिलता है जो कि 1.5 का मिलता है, ये इसका डीजल इंजन जो कि आप इसकी पावर देखते हैं 1.5 लीटर मैनुअल की। सो इसकी जो पावर है ये 113 BHP निकालता है एंड 250 NM का टॉर्क है, एंड कंपनी इसकी लगभग 21 KMPH की माइलेज क्लेम करती है 1.5 लीटर पे। सो यहाँ पे इसका बैजिंग भी रहती है CRDI 1.6। सो ऐसा इसका डीजल इंजन लगता है मैनुअल का 1.5 का। एंड ये देखेंगे तो ये पूरी ये क्लैडिंग करी गई है ब्लैक से, ये हाइड्रोलिक नहीं है, इसको आपको मैनुअली करना पड़ता है यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइसिंग, Hyundai क्रेटा SX डीजल मैनुअल की जो इसकी प्राइस है, पहले एक्सशोरूम बताता हूँ। तो इसकी एक्सशोरूम प्राइस है 15,27,000 इसकी एक्सशोरूम प्राइस है, एंड इसकी ऑन रोड देखेंगे तो इसकी ऑन रोड इंदौर में इसकी 18,69,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है इंदौर में। सो ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू Hyundai क्रेटा SX डीजल मैनुअल का रिव्यू। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।